And welcome. Today we will discuss about mango. Mango is one of the most important fruit. और आज इस वीडियो के माध्यम से हम मैंगो के बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे, तो आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है। हिंदी में कहें कि मैंगो को फलों का राजा भी कहते हैं। बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है मैंगो को। मैंगो को बाथरूम फ्रूट क्यों कहते हैं, इस संबंध में आपको कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर मैंगो की टैक्सोनॉमी देखी जाए तो मैंगो प्लांट किंगडम है, उससे बिलोंग करता है। उसकी जो डिवीजन है मैंगो की वो एम्ब्रियोफाइटा है, इसे एंजियोस्पर्म में भी कहते हैं। क्लास मैंगो की डाइकोटिलीडिन है, ऑर्डर सेपिंडेल्स है। इसकी जो फैमिली है वो अनाकार्डियसी है, जीनस मेंजिफेरा है और स्पीसीज इंडिका। मैंगो को वैज्ञानिक भाषा में या उसका जो साइंटिफिक नेम है वो मेंजिफेरा इंडिका है, और मैंगो के जो क्रोमोजोम नंबर है वो 40 है। मैंगो की क्रोमोजोम नंबर 40। आप ये आम का फल देख रहे हैं, आम के फल का जो बारी जो छिलका होता है, इसको एपिकार्प कहते हैं। और इस छिलके के नीचे जो गुद्दा होता है, इस गुद्दे को इंग्लिश में पल्प कहते हैं। और ये मैंगो का ये खाने योग्य भाग है, इसको वैसे टेक्निकली इसको मिजोकार्प कहते हैं। और एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि मैंगो का कौन सा भाग खाया जाता है, तो मैंगो का जो हम पार्ट जो खाते हैं या जिसको मैंगो का जो गुद्दा जो हम खाते हैं या पल्प खाते हैं, उसको हम मिजोकार्प कहते हैं। मिजोकार्प क्या है, मिजोकार्प एडिबल फ्लेशी पार्ट मैंगो का है। तो मिजोकार्प के नीचे एंडोकार्प होता है जो ये, और इसके अंदर जो ये जो मैंगो की अंदर जो मैंगो का सीड होता है, इसको हम कर्नेल कहते हैं। मैंगो इज ए ट्री फ्रूट, मैंगो को ट्री फ्रूट कहते हैं। ट्री फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो किसी भी जो फ्लावर होता है उसकी जो ओवरी से जो डेवलप होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में, उन फ्रूट्स को हम ट्री फ्रूट कहते हैं। तो मैंगो क्या है, मैंगो एक ट्री फ्रूट है, और मैंगो के फ्रूट को ड्रूप कहते हैं। मैंगो का फ्रूट है उसको ड्रूप कहा जाता है। और ये एग्जाम में काफी क्वेश्चन भी आते हैं कि मैंगो ट्री फ्रूट है या फॉल्स फ्रूट है या स्यूडो फ्रूट है, तो मैंगो ट्री फ्रूट है और मैंगो के फ्रूट को ड्रूप कहते हैं। अगर मैंगो के पल्प का हम कंपोजिशन देखें तो उसका जो प्रोक्सीमेट कंपोजिशन जो है उसमें मॉइस्चर 74.6% होती है, प्रोटीन 0.49%, फैट कंटेंट होता है वो 0.5%, जो टोटल शुगर होती है वो 16.8%, एस जो होती है वो 0.29% होती है, जो फाइबर है जो 0.33% होती है, जो रिड्यूसिंग शुगर है वो 10.2%, TSS जिसको ब्रिक्स में मेजर करते हैं तो 16.1 होता है। जो टोटल टाइट्रेबल एसिडिटी है मैंगो में वो 0.43% होता है। मैंगो के पल्प का जो pH होता है वो 3.5 होता है, और उसकी जो एस्कोर्बिक एसिड जो मैंगो में होता है वो 22.3 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, ये 23 mg है ये पर 100 ग्राम। तो ये मैंगो के जो पल्प का कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है, ये फिक्स कंपोजिशन नहीं है। किसी आप किसी और वैरायटी के में आप ये देखेंगे तो ये डिफरेंट कंपोजिशन मिल सकता है किसी, तो
ये मैंगो का प्रोक्सीमेट कंपोजिशन है। अगर मैंगो के अपन हेल्थ बेनिफिट देखें तो मैंगो में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे क्यूरसिटिन, फेस्टिन, गैलिक एसिड, मिथाइल ग्लेट। ये मैंगो एंटीऑक्सीडेंट्स में बड़ा रिच होता है, और मैंगो में टार्टरिक एसिड, मेलिक एसिड भी अच्छी मात्रा में होता है। मैंगो में विटामिन ए भी काफी मात्रा में होती है, विटामिन सी भी मैंगो में काफी मात्रा में होती है। एफ्रोडाइसियक क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी के कारण मैंगो को लव फ्रूट भी कहते हैं। लव फ्रूट भी कहते हैं। और मैंगो में आयरन भी काफी अच्छी मात्रा में होता है, और मैंगो में मेंजाफिरिन एक केमिकल कंपाउंड, ये जो मेंजाफिरिन है वो यंग लीव में इसकी मात्रा, यंग लीव्स में इसकी मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। अगर मैंगो का एक्सपोर्ट देखें तो 49,658.68 जो उसका जो मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट रहा है, इस एक्सपोर्ट को हम अगर पैसों में कन्वर्ट करें, पैसों में इसकी वैल्यू देखें तो 400 करोड़ के आसपास इसकी जो मॉनिटरी वैल्यू आती है। ये आंकड़ा 2019-20 का है। यद्यपि इंडिया इज मैंगो का एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर उसके इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया का जो हमारा हिस्सा है वो 1% से भी कम है। तो हम इंडियंस जितना भी मैंगो हम पैदा करते हैं उसको करीब करीब खा जाते हैं। और हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट ज्यादातर यूनाइटेड अरब अमीरात, यूके, यूएसए, ओमान और कतर आदि देशों में हमारा एक्सपोर्ट होता है। और जो मैंगो की अल्फांसो वैरायटी है उस वैरायटी का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। मैंगो इज नेटिव टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया है वो, ये मैंगो आम का जो हमारे उत्पत्ति स्थल है यहाँ से मैंगो ओरिजिनेट हुआ है। और मैंगो वाइडली कल्टिवेटेड एज ए फ्रूट ट्री इन फॉरेस्ट फ्री ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट थ्रू आउट इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन कंट्रीज, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया। वेबिलो, एनआई वेबिलो ने इंडो वर्मा जो रीजन है उसको मैंगो का सेंटर ऑफ ओरिजिन माना है। मैंगो का जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 24 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। डीप एंड वेल ड्रेन्ड लोम टू सैंडी लोम सोइल्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। हैवी ब्लैक कॉटन सोयल, सेलाइन और अलकलाइन सोयल्स शुड बी अवॉइडेड। आइडियल रेंज ऑफ सोयल पीएच फॉर मैंगो कल्टीवेशन इज 5.5 to 7.5। मैंगो की प्लांटिंग के लिए स्क्वायर सिस्टम मोस्ट कॉमन सिस्टम है, और जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो प्लांट की विगर पे डिपेंड करता है। जो विग्रस वेराइटी हैं लाइक लंगड़ा, चौसा और फजली, इनमें जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 12 by 12 मीटर होती है। जो लेस विग्रस वेराइटी हैं या कम विग्रस वाली वेराइटी है लाइक दशहरी, बॉम्बे ग्रीन, में जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 10 by 10 मीटर होती है। जो ड्वार्फ वेराइटीज हैं लाइक आम्रपाली, इनके लिए जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 2.5 by 2.5 मीटर होती है। अगर हम दशहरी के हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करें तो दशहरी में हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए 3 by 2.0 मीटर स्पेसिंग रखते हैं। विनियर ग्राफ्टिंग इज वन ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ मैंगो प्रोपोगेशन,
और विनियर ग्राफ्टिंग के अलावा स्टोन ग्राफ्टिंग और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी मैंगो में काफी यूज में ली जाती है, और ये सिंपल भी है, सस्ती भी पड़ती है और क्विक मेथड है, और इसकी जो सक्सेस रेट है वो 75 से 80% तक इसकी सक्सेस रेट है। स्टोन ग्राफ्टिंग या इसको एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं ये, और ये काफी अच्छी टेक्निक है मैंगो के प्रोपोगेशन के लिए। मैंगो में अगर हमें इंटरक्रॉप की बात करें तो जहाँ फ्रॉस्ट हजार कम होते हैं तो वहाँ पपाया एक सुटेबल क्रॉप है। तो नॉर्थ इंडिया में सरबती पीच जो है उसकी भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, और जो हमारा जो उसका ग्रोथ की अर्ली स्टेज होती है मैंगो, अर्ली स्टेज में फालसा और गुआवा की भी इंटरक्रॉपिंग हम कर सकते हैं। अगर मैंगो के फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट देखी जाए तो अगर 1 साल का मैंगो का पौधा है तो उसमें 5 किलो FIM, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास की जरूरत होती है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है प्लांट की उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। और ऑनवर्ड 10th ईयर, 10 साल या उसके बाद में उसकी जो रिक्वायरमेंट जो पर प्लांट रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर की वो 50 किलो FIM, जिसे हम गोबर की या देसी खाद भी कहते हैं, 1000 ग्राम नाइट्रोजन या 1 किलो नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 1000 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है 10वें साल और उसके बाद में। मैंगो के मेजर पेस्ट की बात करें तो मैंगो में क्योंकि मैंगो फलों का राजा है, बट फलों के राजा पे बहुत से इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है। इसमें मैंगो हॉपर है, स्टेम बोरर है, फ्रूट फ्लाई भी काफी नुकसान पहुंचाती है, मैंगो नट विवल भी है, मैंगो मिलीबग, मिलीबग मैंगो का एक बहुत ही खतरनाक इंसेक्ट है, बार्केटिंग कैटरपिलर भी है, फ्लोर गाल मच है, मैंगो लीफ वेबर है, स्टोन बोरर है, मैंगो लीफ कैटरपिलर है और फ्लोर वेबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेजर पेस्ट है जो मैंगो में लगते हैं। इनमें मिलीबग एक खतरनाक इंसेक्ट है जो मैंगो काफी नुकसान पहुंचाता है। मैंगो में अगर डिजीज की बात करें, मैंगो में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या बीमारियों की बात करें तो मैंगो मालफॉर्मेशन मैंगो में एक इम्पोर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट बीमारी है जो फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म फंगस से होती है। मैंगो में एक और समस्या होती है ब्लैक टिप, जो बोरोन की डिफिशेंसी के कारण वो ब्लैक टिप होता है, और मैंगो में इंटरनल नेक्रोसिस एक प्रॉब्लम होती है जो वो भी बोरोन की कमी की वजह से होती है। मैंगो में जो गम स्ट्रक होता है, गम निकलता है, उस कॉपर की डिफिशेंसी से होती है, और एक लीफ स्कॉर्चिंग मैंगो में प्रॉब्लम है वो पोटेशियम की डिफिशेंसी से होती है। मैंगो में स्पंजी टिश्यू एक प्रॉब्लम है वो हीट कन्वेक्शन की वजह से होती है। क्लस्टरिंग और झुमका मैंगो में ये भी एक बड़ी समस्या है जो लो टेम्परेचर, इम्प्रॉपर पोलिनेशन और पोअर फर्टिलाइजेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। पाउडरी मिल्डू मैंगो में एक बीमारी है जो काफी नुकसान पहुंचाती है, वो ओडियम मेंजीफेरी की वजह से होती है, और एंथ्राक्नोज एक इम्पोर्टेंट बीमारी है मैंगो की। तो ये मैंगो की कुछ मेजर डिजीजेज हैं जो मैंगो में नुकसान पहुंचाते हैं। मैंगो की प्रोमिनेंट वेराइटीज के बारे में बात करें तो मैंगो में काफी वेराइटी प्रचलन में है, जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वेराइटी है अल्फांसो। इस वेराइटी का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और ये रत्नागिरी महाराष्ट्र का
का जो इलाका है वहां ये वैरायटी काफी होती है, और इसको किंग ऑफ मैंगो भी कहा जाता है, अपना अल्फांसो को किंग ऑफ मैंगो कहा जाता है। और ये जो वैरायटी है वो पुर्तगालियों द्वारा डेवलप करी गई थी। बादामी एक और इम्पोर्टेंट वैरायटी है जो कर्नाटका की वैरायटी है, और इसको कर्नाटका का अल्फांसो भी कहा जाता है। एक और वैरायटी है आम की जो बिहार और यूपी में काफी इसकी कल्टीवेशन होती है, और ये शेर शाह सूरी ने इस वैरायटी को काफी पॉपुलराइज किया है, पॉपुलर किया मतलब किया था। लंगड़ा आम की एक वैरायटी है जो बिहार और यूपी में काफी इसकी कल्टीवेशन होती है। लंगड़ा आम को बनारसी लंगड़ा भी कहते हैं। दशहरी ये भी यूपी में मलिहाबाद इलाके में इसकी वैरायटी होती है, और ये दशहरी मैंगो की काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। केसर ये सौराष्ट्र गुजरात की वैरायटी है, और इसका जो जूस के लिए ये वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, प्रोसेसिंग में इसको काफी यूज में लेते हैं। मुरगोवा एक तमिलनाडु की वैरायटी है। हिमसागर वेस्ट बंगाल की ये वैरायटी है और काफी फेमस वैरायटी है। बेनिशान मैंगो बंगनपल्ली आंध्र प्रदेश की ये वैरायटी है। इमाम पसंद ये साउथ की वैरायटी है, इसके काफी दूसरे नाम भी है, इमाम पसंद, हिमायत, या इमाम पसंद, हिमायुद्दीन, हुमायूं पसंद, हिमा पसंद, कई नामों से वैरायटी जानी जाती है जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु में ये वैरायटी मिलती है। मल्लिका एक वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी है ये, और ये नीलम और दशहरी के क्रॉस से ये वैरायटी बनी है, और ये रेगुलर बियरर है। रेगुलर बियरर का मतलब मैंगो में एक प्रॉब्लम होती है अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग तो अल्टरनेट बियरिंग में क्या होता है कि एक साल तो फल खूब फल लगता है, दूसरी साल या तो फल आते नहीं है या फिर बहुत कम फल आते हैं, तो उस समस्या को अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं, और ये मैंगो में बड़ी समस्या है। तो मल्लिका है वो रेगुलर वेराइटी, इसमें हर साल फल आता है। आम्रपाली ये भी एक इम्पोर्टेंट वेराइटी है, ये दशहरी और नीलम का क्रॉस से ये वेराइटी बनी है, और ये ड्वार्फ वेराइटी है, और रेगुलर बियरिंग इसमें होती है और लेट थोड़ी लेट आती है, और ये हाई डेंसिटी और चार्ट के लिए काफी सुटेबल वेराइटी है। मंगीरा एक वेराइटी है भी हाइब्रिड है जो रुमानी और नीलम के क्रॉस से तैयार की गई है। रत्ना भी ये हाइब्रिड है जो नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से तैयार की गई है, और ये भी रेगुलर बियरिंग वाली वेराइटी है, और इसमें स्पंज टिश्यू की प्रॉब्लम नहीं आती, ये फ्री फ्रॉम स्पंज टिश्यू है। अलका अरुणा ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है जो बैंगनपल्ली और अल्फांसो में क्रॉस से बनी है, और ये इसमें भी रेगुलर बियरिंग होती है, और ये ड्वार्फ किस्म की वैरायटी है। अर्का पुनीत ये भी एक रेगुलर वैरायटी है, और इसमें प्रोलिफिक बियरिंग है, मतलब काफी अच्छी बियरिंग होती है, और ये भी एक हाइब्रिड है जो अल्फांसो और बंगनपल्ली में क्रॉस करवा कर इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। अर्का अनमोल ये भी एक क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी है जो अल्फांसो और जनार्दन पसंद को क्रॉस करके इस वैरायटी को तैयार किया गया है, और ये वैरायटी भी रेगुलर बियरिंग वाली वैरायटी है, और स्पंज टिश्यू की प्रॉब्लम इस वैरायटी में नहीं आती। चौसा मैंगो की एक फेमस वैरायटी है, और इंडिया में ये स्वीटेस्ट वेराइटी, सबसे मीठा आम ये होता है, और एक वेराइटी जो कैराबाओ मैंगो जिसे हम फिलीपींस मैंगो या मनीला मैंगो के नाम से भी जानते हैं, और ये जो
कैराबाओ है ये विश्व की स्वीटेस्ट वेराइटी है, विश्व की सबसे मीठी, इसका जो मिठास सबसे ज्यादा है, और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है, जो 1995 में इस तरह का है रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। सिंदड़ी एक वैरायटी है पाकिस्तान की, जो सिंध प्रांत में यह है, और ये अपने टेस्ट के कारण, ये वैरायटी बिकॉज ऑफ टेस्ट, ये क्वीन ऑफ मैंगो है, इसको क्वीन ऑफ मैंगो भी कहा जाता है, अल्फांसो को किंग ऑफ मैंगो कहा जाता है, और सिंदड़ी को क्वीन ऑफ मैंगो कहा जाता है। इंडिया में रस भरी को क्वीन ऑफ मैंगो कहा जाता है। पीकल के लिए राम केला एक सुटेबल वेराइटी है, अगर हमें पीकल तैयार करना हो तो हमें राम केला वेराइटी को यूज करना है, तो मोस्ट सुटेड फॉर पीकल वेराइटी है वो राम केला है। बंगनापल्ली जो आंध्र प्रदेश में ये वेराइटी प्रचलन में है, इसका जो वेराइटी का जो फ्रूट है वो सबसे बड़ा होता है वर्ल्ड में। मैंगो की जो प्लांटिंग का टाइम है वो जून जुलाई में इसकी प्लांटिंग होती है, और नॉर्थ इंडिया में फरवरी मार्च में फ्लावरिंग होती है, साउथ और वेस्ट इंडिया में नवंबर दिसंबर में फ्लावरिंग होती है। मैंगो की कुछ वेराइटियां हैं जिनमें अर्ली मेच्योरिटी होती है और जल्दी फ्रूट आ जाते हैं इनके, तो बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे येलो, गोपाल भोग, अल्फांसो हैं, ये वेराइटियां कुछ अर्ली मेच्योरिटी वाली वेराइटियां हैं। कुछ वेराइटी हैं जो मिड सीजन में, मध्य सीजन मध्य में उसकी जो मेच्योरिटी होती है वो कृष्ण भोग, लंगड़ा, दशहरी, गुलाब खास। कुछ वेराइटियां हैं जो लेट मेच्योरिंग है, जो लेट उनके फल आते हैं, वो चौसा, नीलम, आम्रपाली, फजली, ये लेट आती है इनकी। कुछ वेराइटी हैं जो ऑफ सीजन की वेराइटियां हैं, इसमें निरंजन और मधुलिका, ये दोनों वैरायटी हैं वो ऑफ सीजन की वैरायटी है। मैंगो की जो बियरिंग हैबिट है वो टर्मिनल हैबिट है, वो मैंगो का फ्लोर है इसको साइमोस कहते हैं, और मैंगो का इनफ्लोरेंसेस है, उसमें मेल और हर्मोफ्रोडाइट जो फ्लोर है वो कहते हैं, और ये जो उनका मैंगो में खूब सारी फ्लोरिंग होती है, बहुत से जो फल फूल आते हैं मैंगो में, और उनमें से 0.1% ही फूल हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो पाते हैं, और जो फूल ड्रॉप होती है मैंगो में, इस फूल ड्रॉप को रोकने के लिए Na2,4-D का यूज किया जाता है। नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लोर्स, बाइसेक्सुअल फ्लोर जो लंगड़ा में हाईएस्ट होते हैं, और नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लोर जो रुमानी वैरायटी है इसमें सबसे कम होते हैं। मैंगो में जो कंपेटिबिलिटी पाई जाती है वो गेमेटोफाइटिक के इनकंपेटिबिलिटी होती है। मैंगो की एक बड़ी समस्या है एंथ्राकनोज, और जो एडवर्ड वैरायटी है वो एंथ्राकनोज रेजिस्टेंट वैरायटी है, और स्पंजी टिश्यू की जो मैंगो में एक समस्या है उसके लिए जो रेजिस्टेंट वैरायटी हैं वो नीलम, दशहरी, रत्ना, अरका पुनीत, अरका अरुण, अरका अनमोल, ये वैरायटी हैं वो स्पंजी टिश्यू की जो प्रॉब्लम है उससे वो रेजिस्टेंट वैरायटी है, इनमें स्पंजी टिश्यूज की प्रॉब्लम नहीं आती। मैंगो के बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यूज के लिए जो लाल सिंदूरी जो वेराइटी है वो इसकी रेजिस्टेंट वेराइटी है। मैंगो मालफॉर्मेशन भी मैंगो में एक बड़ी समस्या है, और जो बॉम्बे ग्रीन वैरायटी और चौसा वैरायटी हैं, ये वैरायटी है वो मैंगो माल फॉर्मेशन के ससेप्टिबल हैं, यूं कहें कि इन वैरायटियों में मैंगो माल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मैंगो में फ्रूट फ्लाई और जो स्टोन वीवल है इनके रोकथाम के लिए एक वेपर हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, और एक रोमानी वेराइटी है, रोमानी वेराइटी जो है इसका जो फल है वो एप्पल की जैसा होता है, तो एप्पल शेप लाइक वेराइटी है वो रोमानी है। रोजिका है वो एक म्यूटेंट वेराइटी है,
मैंगो में काफी कुछ हाइब्रिड वैरायटियां भी हैं जिसमें काफी जैसे अमरपाली है, रत्ना है, सिंधु है, मल्लिका है, ये हाइब्रिड वैरायटीज हैं, यूनिक हैं। कुछ वैरायटीज हैं वो पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटीज हैं जिसमें बप्पाकाई, चंद्रकरण है ना, कुछ चीजों मोहनदान, निकरे, ओलूर, कुरुखान, ये कुछ वैरायटियां हैं, ये पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटीज हैं। लेट मैच्योर की फजली है जो अक्सर बिहार में वैरायटी काफी प्रचलन में है, तो ये के लेट मैच्योरिटी वाली वैरायटी है। अगर हमें साल्ट रेजिस्टेंट हमें रूट स्टॉक तैयार करने के लिए हम कुरकन वैरायटी इस्तेमाल करते हैं या मोहनदान, निक्कर जो वैरायटी है, ये साल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक वाली वैरायटियां हैं। एक्जोटिक वैरायटियां हैं कुछ, टोमी एटकिंस, ये काफी फेमस वैरायटी है जो बाहर की वैरायटी है, दूसरे देशों की वैरायटी है। जूली जिलेट, ये एक्जोटिक वैरायटी है। नेशनल मैंगो डे, 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे सेलिब्रेट किया जाता है, और मैंगो की जो हमारा मैंगो है उसकी जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी है, और इस फैमिली के जो दूसरे फ्रूट्स हैं एनाकार्डियेसी, कैश्यू, पिस्ता, सुमेक, ये क्या है कि एनाकार्डियेसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। हॉर्स मैंगो, ये भी हॉर्स मैंगो भी एक एनाकार्डियेसी फैमिली का फ्रूट प्लांट है, जिसे जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो मेंजीफेरा प्रोटिडा है, और ये जो फ्रूट है वो आम जैसा ही कुछ दिखता है, और जो ये इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों में ये फ्रूट ये मिलता है। मैंगो इंडिया, पाकिस्तान और फिलीपींस का नेशनल फ्रूट है, और बांग्लादेश का नेशनल ट्री है। अकबर जो अपने यहाँ इंडिया के जो बादशाह हुआ है, वो उन्होंने दरभंगा बिहार में एक 1 लाख मैंगो का एक ऑर्चार्ड लगाया था, उसके लक्की बाग कहते हैं, ये लक्की बाग जगह, लक्की बाग है वो दरभंगा बिहार में, और यहाँ 1 लाख पौधे आम के लगाए थे अकबर के द्वारा। अब एक छोटा सा क्विज देखते हैं। कंटेंट ऑफ प्रोटीन इन सीड कर्नेल ऑफ मैंगो, मैंगो का अंदर जो सीड कर्नेल होती है, जो मैंगो के गुठली अंदर जो गिरी होती है, उसमें प्रोटीन का कंटेंट क्या है? तो 11.50%, 6.50%, 13.20% और 9.50%। तो सोचें थोड़ा, और आपने सोच लिया है तो कमेंट बॉक्स में इसको फटाफट डाल दें। इसका करेक्ट आंसर है वो 9.50%। तो जो मैंगो की जो गिरी होती है, जो सीड कर्नेल है, उसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है वो 9.50% होता है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि मैंगो की जो सीडलेस वैरायटी है, सिंधु, सिंधु मैंगो की सीडलेस वैरायटी है, उसका जो सीडलेसनेस या जो उसमें बीज नहीं बना है सिंधु में, उसके पीछे उसका कारण क्या है? तो उसका कारण जैसे दिया गया है, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, और वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी एंड स्टेनोस्पर्मोकार्पी। क्वेश्चन समझ रहे हैं? मैंगो की जो सिंधु वैरायटी है, ये सीडलेस वैरायटी, तो इस वैरायटी में जो सीडलेसनेस है, इस किस कारण से ये सीडलेसनेस है, ये मैंगो की वैरायटी जो सीडलेस है, इसका पीछे जो कारण है वो क्या है? तो कुछ कारण है इसमें, आप हमारे पास अल्टरनेट है, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी और स्टेनोस्पर्मोकार्पी। आप सोचें, अगर आपने सोच लिया है तो सही जो आंसर है
वह स्टेनोस्पर्मोकार्पी, स्टेनोस्पर्मोकार्पी की वजह से सिंधु वैरायटी में सीडलेसनेस है। विच स्टेट हैव मैक्सिमम एरिया अंडर मैंगो? कौन से राज्य में इंडिया में मैंगो की खेती सबसे ज्यादा होती है? यानी विच स्टेट हैव मैक्सिमम एरिया अंडर मैंगो कल्टीवेशन? तो जो हमारे पास है ऑप्शन है वो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हमारा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और जो करेक्ट आंसर है वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो मैंगो की खेती का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ मैंगो, जो नीचे जो अपने स्टेट्स दिए गए हैं इनमें सबसे ज्यादा मैंगो की प्रोडक्टिविटी किस स्टेट की है, किस स्टेट में जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और करेक्ट आंसर है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो मैंगो की प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है, और प्रोडक्शन भी मैंगो में, मैंगो का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। एक और प्रश्न देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ मैंगो टू सम एक्सटेंट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, विद द एप्लीकेशन ऑफ। मैंगो में अल्टरनेट बियरिंग की बड़ी समस्या है, तो उस अल्टरनेट बियरिंग को रेगुलेट करने के लिए या हर साल फ्रूट आए इसके लिए कौन सा केमिकल इसमें से इस्तेमाल किया जाता है? जो हमारे पास ऑप्शन है पैक्लोबुट्राजोल, ए बी ए, ऑक्जिन और थायोयूरिया। और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है पैक्लोबुट्राजोल। पैक्लोबुट्राजोल के एप्लीकेशन से हम जो उसकी बियरिंग को, मैंगो की बियरिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। द ईयर इन विच मैंगो ट्रीज नॉट प्रोड्यूस और प्रोड्यूस वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्रूट कॉल्ड। मैंगो में एक प्रॉब्लम है अल्टरनेट बियरिंग की, एक साल तो फल खूब आते हैं और एक साल फल या तो नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं। तो जिस साल फल कम आते हैं उस साल को क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है लेजी ईयर, हंगर ईयर, ऑफ ईयर और लीप ईयर। और जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑफ ईयर। जिस साल फ्रूटिंग कम होती है या फ्रूटिंग नहीं होती उसको ऑफ ईयर कहते हैं, और जिस साल फ्रूटिंग होती है उस टाइम ऑन ईयर कहते हैं। मैंगो के बारे में, इन केस ऑफ मैंगो विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, अगर मैंगो के बारे में हम बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है? तो मैंगो में जो पॉलीएम्ब्रियोनी होती है इज वैरायटी डिपेंडेंट, एक ऑप्शन ये है। वैरायटीज ऑफ कॉमर्शियल इंपोर्टेंस आर मोनोएम्ब्रियोनिक, जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं वो मोनोएम्ब्रियोनिक हैं। और जो पॉलीएम्ब्रियोनिक मैंगो वैरायटी हैं वो ज्यादातर इन वैरायटियों का यूज है वो रूट स्टॉक के लिए किया जाता है, ये भी ये ऑप्शन है। और एक ऑप्शन ये भी है कि जो ज्यादातर जो पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी हैं मैंगो की उनका जो फ्रूट की क्वालिटी है वो बड़ी पुअर होती है। तो इनमें से अपने जो चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है? आप पे इस पर एक बार थोड़ा
और विचार करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाले और भी अच्छे इससे वीडियो हैं उसका आपको भरपूर लाभ मिल सके। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि इन केस ऑफ मैंगो, मैंगो के संदर्भ में अगर बात करें तो जो नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से सही कौन सा है, और जो जितने भी ये सारे स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं, ये भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, जो हमारा जो ऑप्शन 5 है वो ऑल अबोव जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है।